What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Study Lord Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. दो रूल बताए गए हैं अगर आप लोगों को जिंदगी में शांति रखनी है, और ये दोनों रूल आप लोगों को खुशी के टाइम भी और दुख के टाइम भी, अगर आप लोग इनको देख पाओगे तो आप लोग समझ पाओगे कि एक्चुअल में किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को जी रहे हो. देखिए होता क्या है, जब लाइफ में फेलियर आ रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं. उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ही साथ चल रही है. तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो काम कर रहे हैं उसको भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो और ज्यादा टेंशन बढ़ने लगती है. तो ये एक साइकिल बन जाती है इस टेंशन कि ऐसे चलते चलते, और उस साइकिल के चलते हम लोग और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जो काम हम लोग कर रहे होते हैं वो काम फिर हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं. इसके अपोजिट अगर आप लोग जाएंगे, जब आप लोग खुश होते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, खुश होते हैं तो आप लोग किसी काम को अच्छे से करते हैं, फिर खुश होता है वो काम और अच्छे से होता है अगले वाला, फिर वो काम भी हो जाता है तो फिर अगला भी और अच्छे से होता है, तो कॉन्फिडेंस आता चला जाता है. तो ये साइकिल बन जाती है. तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है अगर किसी तरीके से अगर टेंशन है आसपास में. आप लोग यहां पर देखिए डिप्रेशन को बोला गया है, अगर आप लोग डिप्रेशन में आते हैं, अगर आप लोग फेलियर के टाइम डिप्रेशन में आते हैं, तो इसका भी पूरा एक तरीके से कंफर्मेशन दिया जा सकता है कि जब आप लोग खुश होंगे, जब आप लोग सक्सेस होंगे, उस टाइम पर आप लोग ईगो में भी आ सकते हैं. यानी कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर डिप्रेशन को एक बार टैकल कर लिया आप लोगों ने दुखी के टाइम पर, तो फिर सक्सेस के टाइम पर आप लोगों के सर पर ईगो नहीं चढ़ेगी अगर अच्छी जगह कहीं भी आप लोगों का सिलेक्शन होता है. तो इसीलिए ये दोनों एक पैरामीटर आप लोग बोल सकते हैं लाइफ में अपने आप को नापने के, कि हाँ क्या हम लोग इस तरीके से रिएक्शन करेंगे. तो अपने आप को पीसफुल रखना है, चाहे टेंशन हो चाहे आप लोग खुश हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. और एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है जो दिमाग को शांत रखकर एक अच्छा डिसीजन ले पाता है. तो यहां पर हमारा एशिया खत्म हो चुका है, अब यहां पर इंडिया. आज आप लोगों का लास्ट यहां पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जाकर देखिए कौन कौन सी कंट्री हमारी कंट्री के बॉर्डर को टच करती है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में. अब आप लोग बता सकते हैं कि मैप बेस्ड जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसमें नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए. यहां पर एशिया खत्म हो गया, सारे कॉन्टिनेंट एक एक कराकर खत्म करा दिए, कुछ और बताइए. बीच बीच में कंट्री तो हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, जैसे अब आगे क्या करूंगा, पर्टिकुलर ऐसे कंट्री नहीं लेकर जो बीच बीच में जो आप लोगों की कंट्री आएगी वहां पे आप लोगों को कंट्री की जो मैप है लोकेशन वगैरह वो बताता रहूंगा. यानी कि ये वाली मैप प्रैक्टिस तो हमारी वीडियो के बीच में चलती रहेगी. अब आप लोग यहां पर ये बताइए पर्टिकुलर आप लोग यहां पर क्या चाहते हैं मैप प्रैक्टिस में, अलग से जो यहां पर डेली में क्वेश्चन पूछता हूं उसमें क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कवर यहां पर कराया जाए. ठीक है, क्वेश्चन चाहते हैं डेली स्टार्टिंग में क्वेश्चन डाला जाए, या फिर कोई और अलग से आप लोग जो भी पैटर्न आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं आप लोग सजेशन दीजिए, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा फिर हम लोग उसको स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, बाकी आइए आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं. लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी. बार बार बच्चे पूछते रहते हैं पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो टेलीग्राम सबसे सुगम साधन है आप लोगों के लिए, आसानी से आप लोग जाकर वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं. जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप लोग उनको डाउनलोड कर लीजिएगा. आइए देखते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं. जो ये आर्टिकल है यहां पर पहले वाला, ये अभी रिसेंटली जो वकील और जो दिल्ली पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली उसके बारे में नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो फिर से आर्टिकल है, तो देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है. अच्छा आर्टिकल है. नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि ये दवाई मत खाना, ये दवाई खाने से इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. खासकर पोलियो की दवाई के बारे में बात करें, कई बार ये देखने को मिलता था पोलियो की दवाई मत लेना, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आएगी. तो जो यहां पर वैक्सीन रहती है उसको लेकर जो लोग हेजिटेट रहते हैं, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस किया गया, एक अच्छा आर्टिकल है. पाकिस्तान में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो हल्का सा नजर डालेंगे पड़ोसी देश, पता रहना चाहिए आप लोगों की पड़ोसी देश में चल क्या रहा है. ठीक है, तो देखेंगे. ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं. यहां पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि पानी का जो लेवल बढ़ रहा है, ओशन का जो लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आने वाले टाइम में वर्ल्ड को झेलनी पड़ सकती है, तो यह बात बताई गई है. सिक्योरिटी के इश्यू को ध्यान में रखकर बात की गई है. कुंदाकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अभी एक अटैक हुआ, और इसी के साथ में जो व्हाट्सएप के द्वारा जो यहां पर अभी हमारे जो अकाउंट है उसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी प्राइवेसी का हनन किया गया, तो दोनों को कंपेयर करके यहां पर डिस्कस किया गया, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे. यहां पर फिर से आर्टिकल एयर पॉल्यूशन के बारे में है, कई सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. एयर पॉल्यूशन सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर में, तो कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, तो थोड़े से सोल्यूशन आप लोग खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा. अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों के हिसाब से कि कौन से टॉप 5 सोल्यूशन है, तो आप लोग टॉप 5
सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जिसके बेस पर हम लोग जो एयर पोल्यूशन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो देखता हूं कितना क्रिएटिव माइंड है और आप लोग कैसे यहां पर इसका आंसर देते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉप 5 सॉल्यूशन आप लोग बताने हैं जिसके बेस पर, और ये 5 सॉल्यूशन आप लोग जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर आप लोग इनको जो वे फॉरवर्ड में आप लोग इनको बता पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखिए आंसर में क्या होता है, जब आप लोग पहले प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि हाँ आप लोग एक अच्छा सजेशन भी दें। ठीक है, तो वही बात की जा रही है, ये भी यहां पर इसके साथ में डिस्कस करेंगे मिलाकर। यहां पर ये जो व्हाट्सएप दिखाया जा रहा है कि सर्विलेंस कर रहे हैं तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। गेम से रिलेटेड एक दो पॉइंट देख लेंगे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली पुलिस और जो खासकर दो हाई कोर्ट थे उनके जो लॉयर हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई, और उसके चलते जो हाई कोर्ट है ये माना गया कि हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो फेवर कर रहा है, यानी कोर्ट फेवर कर रहा है वकीलों का। तो ये काफी बड़ी आप लोग एक दुर्घटना बोल सकते हैं, खासकर जब यहां पर एक साइड में जुडिशियरी होगी और दूसरी साइड में एक ऐसी एजेंसी जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है लोगों को। पर लेकिन क्या आज की डेट में ये एजेंसी खुद को प्रोटेक्ट कर पा रही है? यानी कि अगर बात करें, बार बार कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर जो इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आ रहा है। एथिक्स के पेपर में भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या ये इस तरीके से जो हरकतें चल रही हैं ये कितने हद तक आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे, अगर इफ यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन पर्टिकुलर एरिया और आप लोगों को ये सारे जो चैलेंज है उनको टैकल करना है तो आप लोग उसको कैसे हैंडल कर चलेंगे। तो ऐसे आप लोगों से एथिक्स में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS4 में, और आपको वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि देखिए ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में खुद की लाइफ में भी झेलनी पड़ेगी जब आप लोग किसी एरिया में एडमिनिस्ट्रेटर बनकर जाओगे। तो यहां पर अभी कंडीशन क्या निकल कर आई, अभी यहां पर ये आप लोग केस स्टडी के तरीके से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है खासकर उनके बारे में बात की जा रही है, और आप लोग एथिक्स के पेपर में मैंने आप लोगों को एंगल बता ही दिया, तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी कंडीशन क्या बनी, दो कोर्ट यहां पर दिल्ली के अंदर, एक तो है साकेत कोर्ट और दूसरा है तीस हजारी कोर्ट, यहां पर जो पुलिस है और जो बेसिकली वकील हैं उनके बीच में झड़प हो गई, और झड़प होने के बाद में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी वो पुलिस को फेस करनी पड़ी। आज की डेट में जो दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा नहीं, CRPF के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी कंट्री में वो किसके अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, और दिल्ली पुलिस जो कि यूनियन टेरिटरी की पुलिस है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। कम्युनिकेशन, लैंड और जो लॉ एंड ऑर्डर वाला पोजीशन है, यानी कि तीन याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में दिल्ली, उसका कम्युनिकेशन और लैंड यानी कि जमीन वाला इशू, और इसी के साथ में जो सिक्योरिटी वाला इशू यहां पर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो गया, लैंड हो गया, और लॉ एंड ऑर्डर ये सारा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है हमारी कंट्री में, ये याद रखिएगा, और पैरामिलिट्री फोर्स भी सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। तो अभी जो यहां पर कंडीशन निकल के देखने को मिली, क्लैश आया पुलिस और जो लॉयर के बीच में, तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, कई बार यहां पर ऐसी सिचुएशन पहले भी बन चुकी है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो पुलिस जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, पुलिस को आप लोग देखिए कोई इनके लिए ऐसे प्रीडिफाइंड टाइम नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप लोगों को जॉब करनी है, पहली बात। दूसरा, जहां पर आप लोगों को छोटे छोटे जो बूथ से बने रहते हैं जहां पर पुलिस वाले बेचारे रहते हैं, वहां पर आप लोगों को ये भी कंडीशन नहीं नजर आएगी कि क्या ढंग से उनके लिए वहां पर टॉयलेट भी नहीं होते कई जगह, तो ऐसी कंडीशन है, ना पानी पीने की जगह ना टॉयलेट की जगह, तो ये कंडीशन देख सकते हैं। तीसरी जो सबसे बुरी कंडीशन आप लोग देखिए, जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग इंजॉय करते हैं और इनकी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है, तो ये भी कंडीशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो आज के खाली पड़ी हुई है, वो भरी नहीं है, तो इसलिए एक इंसान के ऊपर कई कई लोगों का बर्डन आ रखा है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, इसी के चलते ये माना जाता है कि पुलिस वाले काफी लार्ज स्केल पर करप्शन करते हैं, जिस लेवल की सैलरी दी जाती है उस लेवल पर कोई इंसान आज के डेट में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, खासकर अगर दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली पुलिस का बंदा है, तो ये सारी हरकतें करनी पड़ती है उनको अपना परिवार चलाने के लिए भी, हालांकि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर पहुंच जाते हैं वो एक अलग बात है कई बार, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, करप्शन करना चाहिए। ये आप लोग अगर यहां पर बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म के बारे में, अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आता है तो ये सारी बात आप लोग वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बीइंग ए कॉमन सिटीजन आप लोगों को भी ये पता होनी चाहिए जब आप लोग किसी पुलिस वाले को देखते हैं कि बेचारा किस कंडीशन में वहां पर जूझ रहा है, हालांकि हम लोग उनको डिक्टेटर की तरीके से भी देखते हैं पर आदमी मैक्सिमम टाइम फ्रस्ट्रेट नजर आएगा अगर उससे आप लोग बात करके देखेंगे। मैंने कई बार बात की और कई सारे दोस्त भी हैं मेरे जो कि दिल्ली पुलिस में भी है और मैंने कई बार इनसे बातें की हैं, तो जो फील निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई नहीं है पर्सन जो पर्टिकुलर कर रहा है, तो ये कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है घुमा फिरा कर, सिचुएशन ये है कि पुलिस में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, क्योंकि जब आदमी खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या वो जनता को प्रोटेक्ट करने की कंडीशन में है, तो इसके बारे में समझना पड़ेगा। और जो सीनियरिटी और जूनियरिटी वाला फंडा है वो भी काफी खतरनाक है, कल को IPS ऑफिसर बनकर आप लोग जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जिस
जिस एरिया में आप लोग जाएंगे वहां पर जो भी आप लोग के नीचे जो काम करने वाले लोग होंगे वो आप लोगों की टीम होगी। आप वहां राजा बन के नहीं जाओगे कि राजा बन के आगे आप मेरे हिसाब से बस चुटकी बजाकर काम होगा, नहीं, आप लोगों को टीम की तरीके से उसको लेकर चलना है। हर एक इंपोर्टेंट, हर एक पर्सन उस एरिया में जो भी होगा आप लोगों की टीम में वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर क्या हुआ, अभी एक आईपीएस ऑफिसर दिल्ली में गलत साइड में गाड़ी चला रहे थे तो एक कांस्टेबल ने रोका तो उसने निकल के उसको थप्पड़ मार दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। तो ये एटीट्यूड अपना कभी भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए, खासकर ऐसी पोस्ट पर पहुंचकर। तो कि हाँ, तो जाकर आप लोगों को दुनिया फॉलो करती है, दुनिया देखती है, और अगर आप लोग ऐसी हरकतें करोगे इस पोस्ट पर जाकर तो फिर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा और लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ईगो तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो जाकर आप लोगों को और ज्यादा लिबरल हो जाना है, सामने वाले को समझिए, आप एक अच्छे पोजिशन पर जाकर बैठे क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं वो पोजिशन पर। लेकिन सामने वाला अगर कॉन्स्टेबल है, कोई दूसरी पोजिशन पर है, वो उसका लेवल आप लोगों का लेवल का नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसकी पोजिशन क्या है, आज के डेट में किस तरीके से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, उस तरीके से लेकर आप लोग अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ना है। अभी कुछ दिनों पहले जेएनयू का इशू हुआ, कन्हैया कुमार वाला इशू जो था उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, दिल्ली के कोर्ट के अंदर उसको लेकर गए और वहां पर वकीलों के द्वारा मारने की कोशिश की गई, ठीक है, जो भी वहां पर उनके द्वारा जो नारे लगाए गए थे। देखिए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमारी कंट्री में जुडिशरी है, वकील थोड़ी ना बाहर निकलकर, ये वकील जो है पूरा जो मूवी देखी होगी आप लोगों ने सनी देओल वाली, तारीख पे तारीख जब कहता नहीं है जटा साहब झटकना छोड़ दो वरना झटका दूंगा, तो कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जिस तरीके से वहां पर जो सनी देओल अमरीश पुरी को जो डायलॉग मारता है कि सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, तो ये कंडीशन बेसिकली गलत है। आज के डेट में जुडिशरी के हाथ में पावर है भैया, हाँ आप लोग केस लड़ो, जीतो और उसके बाद में सजा सुनाओ। ये थोड़ी ना कि आप लोग केस को रफू चक्कर भारी बार करोगे, आप लोग भारी लोगों के साथ में लड़ोगे। तो ये कंडीशन देखने को मिली दिल्ली जो यहां पर जेएनयू वाला इशू था उसमें भी। तो लॉयर और जो पुलिस के बीच में ये एक तरीके से जो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, सिंक्रोनाइज वे में काम करना चाहिए, क्योंकि एक तो है यहां पर, एक आप लोग देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यहां पर, दूसरे लॉयर जो कि जुडिशरी का काम करते हैं, तो कैसे दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों को एक साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो जुडिशियल इंटरवेंशन यहां पर अगर किया जाएगा लॉ और पुलिस वाले केस में, तो देखिए इंपार्शियल होना चाहिए यहां पर, फेयर होना चाहिए, इनके पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि यहां पर पता चला अपने वाले जो वकील है उनका फेवर करके जज निकल जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस इंसेल है दोनों के बीच में, देखिए एक पैरेलल दोनों के बीच में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस तरीके से दोनों जरूरी है, एक सिस्टम का पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि गाड़ी के पहिया है, अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरी गाड़ी लेकर नहीं चलेगा एक अकेला पहिया, तो ऐसे आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं कुछ आइडिया, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। अपने आप को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो सबसे आसान सा तरीका आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को उस टॉपिक के साथ में कहीं पर जोड़ दो, ठीक है, अपने आप को उस पोजिशन में फील करो। आगे भी आर्टिकल पढ़ाऊंगा जैसे आप लोगों को कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोस्टल एरिया को छोड़कर जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि यार वो क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। खुद सोचो अपने माइंड में कि मेरा घर है कोस्टल एरिया में, ठीक है, अब आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फील करोगे। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरीके से करनी स्टार्ट कर दी तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे पाओगे, क्योंकि अपने आप के बारे में जब इंसान सोचता है ना तो फीलिंग अलग आती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई मूवी आप लोग देख रहे हैं, जिस मूवी में अगर कोई कैरेक्टर आप लोगों को पसंद आ जाता है ना और उसको आप लोग कोरिलेट कर लेते हो कि क्या मैं हूं अगर यहां पे, तो आप लोगों को मूवी में मजा ही कुछ और आता है, ठीक है। तो ये मैं खासकर ऐसी चीजें करता रहता हूं, जब खासकर हिस्ट्री आप लोग पढ़े तब भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। हिस्ट्री में अपने आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन बना दे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो उस पर्टिकुलर पोर्शन का, तो फिर देखो हिस्ट्री पढ़ने में कितना मजा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए पड़ोसी देश में चल क्या रहा है। देखिए यहां पर आजादी मार्च चल रहा है, यहां पर मौलाना साहब सड़क पर आ गए सबको लेकर कि भैया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाओ, और यहां पर इसकी जो यहां पर आज के में जो कंडीशन बनी हुई है कंट्री में वो सही नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ये 2018 में पिक्चर में आए, तो यहां पर ये माना जा रहा है कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना कि इलेक्टेड, यानी कि ये आर्मी के द्वारा सेलेक्ट किया गया कि भैया ये बंदा सही है, ये हमको टेंशन नहीं देगा, ये हमारे हिसाब से काम करेगा, तो उसके हिसाब से यहां पर इनको सेलेक्ट किया गया, ऐसी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई चैनल सुन रहा है तो देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, आपके लोग ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे पाकिस्तानी बच्चे चैनल देखते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, सर पाकिस्तान के बारे में उल्टे सीधे मत बोला करो, हम आपके लेक्चर देखते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, मुझे बहुत लंबा मेल लिखा कि सर मैं जो द हिंदू न्यूज पेपर काफी अच्छा आपकी कंट्री में जो आता है और मैं अपने यहाँ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो इंटरनेशनल जो इशू है वो द हिंदू में बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं, तो मैं आपका डेली लेक्चर सुनता हूँ, पर सर जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो आप पाकिस्तान की बहुत खिंचाई करते हैं, ऐसा मत किया करो। देखिए यार मेरा कभी भी ये पर्पज नहीं रहता है कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ बोलना है, बेसिकली लोग तो ऐसे ही वो हैं, ऐसे ही हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी आर्मी है, जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर मैं कभी भी पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं पाकिस्तान के बारे जनता के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तो हम ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं प्यारे प्यारे से, पर लेकिन जो वहाँ की जनता है, जो जनता को छोड़कर जो वहाँ का जो आर्मी है और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो हरकतें करती है, मेरा मतलब उनको बोलने का होता है, ठीक है।
तो यहां पर अभी क्या बात की जा रही है, एक तो यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके चलते फ्री इलेक्शन की, फ्रेश इलेक्शन की बात चली रही है, और दूसरा यहां पर कि मिलिट्री का इंटरवेंशन न हो पॉलिटिक्स में। देखिए अगर सोचिए हमारी कंट्री में अगर मिलिट्री है वो अपने आकर चलाने लगे बातें कि ऐसा कर लो वैसा कर लो तो कैसा लगेगा, तो ये कंडीशन पाकिस्तान में बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। आजादी के बाद काफी लंबे समय तक तो मिलिट्री रूल ही वहां पर चलता रहा, बीच बीच में दो चार बार ठीक ठाक गवर्नमेंट आई पर लेकिन वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है पुलिस यहां पर इसके आर्मी के चलते, तो इसको टैकल करने की बात की जाती है। करप्शन बहुत बड़ा इशू बन चुका है यहां पर, यह माना जा रहा था इमरान खान जब यहां पर पॉलिटिक्स में उतरे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, हमारी कंट्री की साइड से भी काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन लगाई गई पर लेकिन ये भी आर्मी के पपेट बनकर रह गए ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। काफी असंतोष है लोगों के अंदर क्योंकि फ्री स्पीच आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी और ना ही यहां पर जो मीडिया है वो अपना आराम से काम कर पा रही है, उसको भी एक तरीके से टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम आज के दिन पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए तो आप लोगों को मीडिया फ्री करनी पड़ेगी, जनता अपने विचार सामने आकर रख सके उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये था छोटा सा आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कुछ भी पड़ोसी देश में क्या चल रहा है आप लोग हल्का सा माइंड में रखिएगा आइडिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि एक खतरनाक सिचुएशन दिखाता है हमारी कंट्री की क्या चल रही है, और ये हमारी कंट्री के लिए नहीं है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हमारी कंट्री में मैंने क्यों बोला वो इसलिए बोला अगर आप लोग अपनी कंट्री का मैप निहारेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि अगर आप लोग यहां पर देखें ये हमारी कंट्री का मैप हो गया, ठीक है। तो हमारी कंट्री है हो गई यहां पर, ये हो गया यहां पर अरेबियन सी, ये हो गया यहां पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये इंडियन ओशन हो गया, तो ये जो इस तरीके से अगर आप लोग इसको देखते हैं पर्टिकुलर एरिया को तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया को टच करते हैं। तो अगर यहां पर किसी भी तरीके से अगर इसका पानी का लेवल बढ़ता है तो समझिए कि कोस्टल एरिया में रहने वाली जनता का क्या होगा, और ये सिचुएशन आप लोगों को हर एक कोस्टल एरिया में नजर आएगी जहां जहां भी कोस्टल एरिया, चाहे आप लोग कहीं पर क्यों ना चले जाएं। तो आप लोग साउथ कोरिया जापान की बात कर लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यहां पर आ जाइए कहीं पर, इवन चाहे यूएसए की बात कर लीजिए, चाहे यूरोप में आप लोग आ जाइए, तो कोई भी इससे बचेगा नहीं अगर यहां पर ये इंपैक्ट डालना स्टार्ट करेगा। तो पहले आप लोग समझ लीजिए बात में क्या करना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा हूं यहां पर कोस्टल फ्लडिंग के बारे में। कोस्टल एरिया में यहां पर आप लोग ये सोचिए ये घर है, ठीक है ना, जैसे जब मैं आप लोग जिससे मैंने अभी बताया आप लोगों अगर आर्टिकल समझना तो सीधा सीधा ये समझिए कि आप लोगों का घर है, ठीक है। तो यहां पर ढांचा थोड़ा सा अच्छा समझ लीजिएगा चाहे भले ही, पर लेकिन होगा क्या कंडीशन, देखिए अगर कल को जरा सा भी कोई साइक्लोन आता है या इसका लेवल बढ़ता है तो घर में पानी भरना लाजमी है। बहुत सारी ऐसी जनता है जो इस तरीके के एरिया में आज के डेट में रह रही है, इंडिया और चाइना के अंदर तो ह्यूज पॉपुलेशन है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेस कंट्री कौन है जहां सबसे ज्यादा जनता है, तो जनता जनार्दन सबसे ज्यादा चाइना में और दूसरे नंबर पर इंडिया में है। तो यहां पर दो कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा यहां पर जनता है और मैक्सिमम लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो अगर यहां पर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत लार्ज स्केल पर हम लोगों को रिफ्यूजी देखने को मिलेंगे। रिफ्यूजी क्या होते हैं, जो अपना पर्टिकुलर एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं अलग अलग रीजन की वजह से, पर लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोल रहे हैं, जो कि एक खतरनाक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली लोग कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, देखिए कहीं सूखा पड़ गया या कहीं वॉर हो रही है, जैसे सीरिया के अंदर कंडीशन चल रही है बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसी के चलते अफगानिस्तान के अंदर कोई कंडीशन देखे तो अलग अलग एरिया में लोग जाकर रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग अगर देखेंगे तो जैसे आप लोग देखते हैं अभी सबसे बड़ा मुद्दा रिसेंटली अभी रोहिंग्या कम्युनिटी वाला, रोहिंग्या कम्युनिटी को म्यांमार से भगाया मारकर, तो एक तरीके से उन्होंने जान बचाने के लिए बेचारे वहां से निकले जैसे तैसे, तो वो दूसरी कंट्री में बांग्लादेश में और इंडिया में रिफ्यूजी, अलग अलग कंट्री में रिफ्यूजी बने हुए आज के डेट में है। वो डिग्रेड हो जाता है अगर इकोसिस्टम, जैसे मान लीजिए आज के डेट में, जैसे अभी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि एक टाइम था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था दिल्ली चलो, आज के डेट में जो नारा हो गया दिल्ली से चलो, क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर इन्वायरमेंट यहां पर कोई इकोसिस्टम जो डिग्रेड होने लगता है तो लोग छोड़ छोड़कर वहां पर जाने लगते हैं कोई इफेक्टिव एरिया को देखने के लिए। इसी के साथ में वॉर और या फिर जॉब लॉस के अगर कहीं पर कंडीशन देखने को मिले तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे बड़े-बड़े रीजन हैं जो आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से लोग आज की डेट में अपने पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर जाते हैं, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो आज के डेट में अगर कहीं पढ़ रहे हैं अपने एरिया को छोड़कर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखिए वो तो एट द एंड ऑफ द डे अपने एरिया में चले जाएंगे जब सिलेक्शन होगा, और मजा भी आएगा जाने में कि हां भैया अच्छे से अपना सिलेक्शन लेकर आए, तो उसकी बात नहीं की जा रही है। बात की जा रही है कि परमानेंट माइग्रेट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन को देखकर, और आने के चांसेस भी काफी कम है क्योंकि सिचुएशन बुरी हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जो कंडीशन बन रही है ये अलग अलग सिचुएशन की वजह से देखने को मिलेगी। तो इफेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का और कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ये दो ऐसे मेन एरिया है जो बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट कर रखते हैं। तो इसी के चलते जो थ्रेट है वो मल्टीप्लायर हो जाती है। एक तो ये जो लोग आप लोगों को रहेंगे
ये मैक्सिमम वो लोग नजर आएंगे जो पुअर होंगे. वैसे ही हेल्थ की अच्छी सर्विस नहीं है, वैसे ही एजुकेशन अच्छी नहीं है, वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं. और एक और यहाँ पर ये जो बची हुई जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल हो गया कंगाली में आटा गीला. यानी कि प्रॉब्लम तो थी, कंगाल पड़े हैं पर लेकिन आटा भी अब गीला हो गया, तो घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं है. तो ये ऐसे मुहावरे जो है ये आप लोग यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, अगर आप लोग की इनके ऊपर पकड़ है. ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे रहते हैं इनसे खासकर, पर लेकिन आप लोग की पकड़ होनी चाहिए. यानी कि गलत सलत आप लोग वहां पर लिख रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है फिर, जैसे कंगाली में आटा गीला इस तरीके से. तो आप लोग ये इस तरीके से क्रिएटिव राइटिंग इसको बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, अब बात क्या की जा रही है, एक्यूरेट सी लेवल राइज के बारे में बात की जा रही है. देखिए जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है, सी के लेवल की बढ़ने से जो डिफिकल्टीज हैं वो लोगों की बढ़ रही है. अब ये कई सारे रीजन है, एक तो है कि देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, यानी कि बर्फ पिघल रहा है पहाड़ों के ऊपर. अब वो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ पिघल रहा है वो पिघलकर कहां आ रहा है, वो नदियों के थ्रू कहां पे आ रहा है, नदियों के थ्रू वो ओशन में आ रहा है. और जैसे कि हमारी कंट्री में जैसे नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है वो सारी एवरग्रीन रिवर है. एवरग्रीन का मतलब क्या है, उनका इससे मतलब नहीं है कि भैया मानसून आएगी तो हम चलेंगे, वो चलती रहती है हमेशा. की क्या रीजन है, वो ग्लेशियर से पिघल कर आती है. पर लेकिन साउथ इंडिया जो रिवर है वो एवरग्रीन रिवर नहीं है, वो मानसून आने पर ही चलती है मैक्सिमम. ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी. अगर बात करें यहां पर ग्लेशियर के बारे में, तो ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी नीचे निकल कर आता है, पर लेकिन जैसे ये ओशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ओशन का पानी है ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. और ये रेगुलर एक फिनोमिनन बन चुका है, यहां पर देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस गैस रुक नहीं रही है, वो लार्ज स्केल पर बढ़ रही है और ये ओशन का पानी भी बढ़ता हुआ जा रहा है. तो लगभग जो एवरेज लगाया जा रहा है कि एंड ऑफ द सेंचुरी में ये लगभग 2 मीटर बढ़ जाएगा. 2 मीटर आप लोग काउंट कर सकते हैं, आप लोगों की हाइट से भी ऊपर चला जाएगा लगभग. ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट अगर लगा के चले तो मतलब लगभग आप लोगों की हाइट जितना यहां पर ये पांच जो सी का लेवल बढ़ेगा, तो सोचिए आसपास के एरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. कोस्टल एरिया में बाढ़ आएगी बहुत लार्ज स्केल पर, जो पानी है वो सोल्टी रहता है क्योंकि ओशन का पानी आप लोग पी नहीं सकते, उसमें काफी ज्यादा सोल्ट रहता है, नमक रहता है, इसीलिए उसमें से नमक निकाला जाता है. ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग उसको. तो जो नमक निकाला जाता है उसकी वजह से जो पानी है, मान लीजिए अगर बाढ़ आई तो अगर खेती जमीन जो खेती करने लायक जमीन है वहां पर बाढ़ आई तो पानी आएगा, तो वो लैंड जो होगी उसमें भी काफी सोल्ट आ जाएगा और वो एक उपजाऊ लैंड नहीं रहने की है. इसी के साथ में कोस्टल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद होने लगती है, कम्युनिटी परेशान होने लगती है और इकोसिस्टम भी वहां पर अलग तरीके से बर्बाद होने लगता है. तो ये पूरा एक ऐसा इंपैक्ट है जो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है. तो पहला तो मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया, ये सारे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से. आप लोगों को 4-5 लाइन अगर याद होगी तो अच्छे से आंसर आप लोग लिख पाएंगे. तो यहां पर एक तो ये बताया कि किस रीजन की वजह से आता है और आने के बाद में क्या इंपैक्ट यहां पर इसका पड़ रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया. अब यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कहां कहां पर प्रॉब्लम फेस की जा रही है. लगभग ये माना जा रहा था अब तक 5 मिलियन के करीब, अगर मिलियन की बात करता हूं तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, उसी हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा. ठीक है, 5 मिलियन के यहां पर करीब मतलब 50 लाख के करीब जो लोग हैं ये माना जा रहा था कि इंडिया में आज के डेट में कोस्टल एरिया में इफेक्टेड है यहां पर, पर लेकिन अब ये 36 मिलियन के करीब होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में. बांग्लादेश में भी लगभग 5 मिलियन के करीब माने जा रहे थे, पर लेकिन अब 42 मिलियन के करीब यहां पर थ्रेट में आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर. ये क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो 150 मिलियन हो सकते हैं यहां पर परमानेंटली जो कि इस कंडीशन में पड़ जाएंगे. और अगर ये आने वाले टाइम में, ये अगर आने वाली शताब्दी में आप लोग बात करेंगे प्रॉपर वे में, तो ये 360 मिलियन तक यहां पर बढ़ सकते हैं. तो 21वीं जो शताब्दी आ रही है प्रॉपर वे में अगर उसको आप लोग देखोगे, जो इसके एंड तक 21st सेंचुरी के एंड तक अगर आप लोग देखोगे, तो और लार्ज स्केल पर यहां पर जनता इसकी चपेट में आ जाएगी. और ये अच्छी बात क्या है कि यहां पर ये अमीरी और गरीबी को नहीं देख रहे हैं, ये भैया सबको चपेट में ले रहे हैं, चाहे वहां पर चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये फिलिपिन या फिर जापान. अच्छी बात यह है जो कोस्टल जो चारों ओर से घिरी हुई कंट्री है उसको तो एक बार को बच जाएगी वो तो, पर लेकिन जो कोस्टल एरिया में मैक्सिमम जो वर्ल्ड पड़ा हुआ है उसका क्या होगा. अलेक्जेंड्रिया, हो चिन मिन, जो ये सिटी है सारी, जैसे बात की जा रही है बादशाह, संघाई, या फिर बात करें आप लोग मुंबई और कोलकाता, तो हमारी कंट्री में भी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है 2050 तक ये सबमर्ज हो जाएंगी अगर पानी का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा. तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह इंपैक्ट आप लोगों को इसका देखने को मिल रहा है, सनी की पर्टिकुलर एक एरिया है. इसी के साथ में अगर बात करते हैं इंडिया में पॉलिसी क्या क्या लेकर आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह कि कोस्टल एरिया में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो कि वल्नरेबल कंडीशन क्रिएट करता है, पहले तो आप लोग उसको टैकल करना सीखिए. प्लानिंग करनी है आप लोगों को, खासकर मोस्ट वल्नरेबल एरिया कौन से हैं, तो टाइम रहते हुए उसके लिए एसेंशियल प्लानिंग आप लोग लेकर आइए. अर्बन पॉलिसी आप लोग ढंग से लेकर आइए, खासकर जो मिड साइज टाउन है वहां पर इंटीग्रेटेड प्रपोजल आप लोगों को लेकर आना चाहिए कि अगर कोई माइग्रेंट आता है, मान लीजिए दिल्ली की बात करते हैं, चलिए दिल्ली छोड़िए, आप लोग मुंबई और कोलकाता की बात कीजिए क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चीज देखने को मिल रही है. मुंबई और कोलकाता में अगर कोई बाहर का लोग आता है तो सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर यहां पर कोई लोग आएगा तो कैसे आप लोग उनको टैकल करोगे, वो आकर कोस्टल एरिया में रहेगा, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, तो उसके ऊपर फोकस आप लोग देकर चलना है आप लोगों को. नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर,
अगर बात की जाए लेबर और रीजनल एग्रीमेंट और खासकर एडवांस स्किल डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, ताकि जो जनता है उसको आप लोग ढंग से टैकल करके चल सके। जो रूरल इकोनॉमी है उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे पॉवर्टी को मिटा सकते हैं, क्योंकि देखिए क्लाइमेट, आप लोग अगर पॉवर्टी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज है, यह भी एक वहां पर पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं। इसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ती है, क्योंकि जो गरीब आदमी है अगर वो अपना एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाएगा, वहां पर वो कोई रहने के लिए किराए पे मकान देखेगा, अपने बच्चों का एडमिशन कराएगा, तो समझ रहे हैं आप लोग, खुद सोचिए अपने आप को। अगर आप लोगों को बोलूं कि अपना घर छोड़कर आप लोगों को जाना है कहीं और सेटल होना है, एक सेकंड में कितनी खतरनाक सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है सामने वाले बंदे के सामने। वहां पर उसके पास में कोई जानवर भी होंगे, कुछ थोड़ी बहुत जमीन भी होगी वहां पर, तो वो भी सारी पानी में चली गई, तो समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन बन जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को ध्यान में रखकर अपने प्लान बनाने पड़ेंगे। प्रोटेक्ट अगर करना है अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को आप लोगों, तो देखिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में नहीं चढ़ता है, यानी कि ये एक तरीके से तो बाहर निकल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये इंपैक्ट डाला है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, अब तो कम से कम डिसीजन ले लो, जब सब जनता मर जाएगी तभी डिसीजन लिया जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर ये भी है कि जो पॉवर्टी है, पुअर लोग अभी मर रहे हैं, ये अमीर लोगों पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए अभी इसके बारे में और ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अमीरों पर भी इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन यहां पर और ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आज की बात नहीं है, हिस्ट्री से ऐसा ही होता हुआ है, जब जब यहां पर अमीरों को प्रॉब्लम हुई है, जब जब यहां पर ताकतवर लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तब तब उसके बारे में पूरे डिस्कशन हुए, पूरे डिबेट हुए हैं, पर लेकिन ये बहुत बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, और खासकर हेल्थ इशू के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने एक गोली बनाई है और ये जो गोली है इसको पढ़ने के, इसको खाने के बाद में आप लोगों को नींद आनी बंद हो जाएगी, जैसे मुझे हो रखी है कई दिन से, तो दो दो तीन तीन घंटे सोचोगे पता नहीं क्या सिचुएशन बन गई है यार। एक तो देखो होता क्या है, मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, एक तो देखिए सारे काम ना सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, पर लेकिन फिर भी बीच बीच में कई बार ना आंखें ऐसी हो जाती है मेरी, मतलब ये लगता है कि मुझे पानी बार बार इनमें पानी छप के मार, वो नहीं कहते पानी से धुल धुल कर इनको कई बार खोलना पड़ता है, ऐसी कंडीशन बन जाती है कई बार, तो कई बार सुबह को खुलना मुश्किल हो जाती है। ये पैटर्न ना बड़ा गंदा सा चल रहा है आज के डेट में, कई सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए कोई नहीं, सुधारते हैं आराम आराम से। देखिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना बस, ठीक है ना, कोई भी टेंशन क्यों ना आए लाइफ में, अगर हंस के लोगे ना उसको तो सारी टेंशन को आप लोग इजीली उसको टैकल कर लोगे, पर लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे यार ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सोचोगे, तो ये समझिए आप लोग डूब गए वहीं पर ही, ठीक है। तो जो भी आ रहा है खुशी होकर, मतलब खुश होकर उसको टैकल करो, फिर देखो चुटकियों में निकालोगे यार इन प्रॉब्लम को आप लोग, पता नहीं कहां दब जाते हो प्रॉब्लम के नीचे, तो दबना नहीं है, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो अपना आपको ऐसे रखो कि हाँ यही तो है, छोटी सी अरे ऐसे निकल जाएगी यार, तो उस तरीके से रखना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर वैक्सीन हेजिटेंस, अच्छा मैं क्या बोल रहा था अगर मान लीजिए कोई दवाई मैं बनाता हूं और मैं दवाई बोलूं कि आप लोगों को ये दवाई गोली है, आप लोगों को नींद कम आनी स्टार्ट हो जाएगी इससे, और आप लोगों को उसको नहीं लेनी है जिसको ऑलरेडी कम आती है, ठीक है, जिसको ज्यादा आती है उसको लेनी है, और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनको बेवकूफ बना रहे यार ये, तो ठीक है ये दवाई नहीं लेनी है, पता नहीं क्या क्या और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये जो र्यूमर फैलाए जाते हैं, मान लीजिए मैंने वो दवाई बनाई, वो टेस्ट करके बनाई है खूब, मतलब कई सारे लोगों के ऊपर टेस्ट कर चुका हूं, अपने ऊपर टेस्ट कर चुका हूं, वो काम कर रही है, पर लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि नहीं फालतू की दवाई होगी, ठीक है। तो ऐसी ये जो इस तरीके की जो बातें फैलाई जाती हैं, ये बहुत लार्ज स्केल पर फैलती हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा अच्छी चीजें आराम आराम से होती है, बुरी चीजें तो आग की तरीके से फैलती हैं, तो वही कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। तो वैक्सीन जो हेजिटेंसी है, ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं दवाई लेने से, इवन जब दवाई अवेलेबल भी होती है, एक तो है कि दवाई है ही नहीं है, तब तो समझ में आता है कि लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, मर रहे हैं उसकी वजह से, बिना दवाई की वजह से, पर जब दवाई है तब भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर देखिए क्या कंडीशन बनती है। तो वैक्सीन की वजह से अगर आप लोग देखेंगे, जो वैक्सीन बात की जा रही है, जो प्रिवेंट किया जाता है 2 से लेकर 3 मिलियन जो डेथ है ईच ईयर, अगर वैक्सीन प्रॉपर वे में दी जाती है, पर लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो देखिए जो वैक्सीन जो कवरेज है वो और ज्यादा इंप्रूव अगर होगा तो ही यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, और 1.5 मिलियन के करीब जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर लेकिन ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, ये वैक्सीन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि 1,40,000 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया 140 कंट्री में, तो वो क्या सोचते हैं दवाई के बारे में। तो सबसे पहले बात की जा रही है साउथ एशिया, जिसमें हम भी आते हैं, और अफ्रीका, यहां पर 95% के करीब लोग आप लोगों को नजर आ जाएंगे, और यहां पर 92%। अगर बात करें यहां पर ईस्टर्न यूरोप और यहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में, तो यहां पर भी ऐसी कंडीशन नजर आती है कि जो ट्रस्ट नहीं करते हैं कई बार लोग, ठीक है, तो 59% और 52% देखने को मिलेगा। तो वैक्सीन जो हेजिटेंसी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है आज के में, जैसे मिजल्स की बात की जाए, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ भी रही हैं। यहां वैक्सीन हेजिटेंसी के चलते 4,24,000
जो बच्चे हैं अक्टूबर में यहाँ पर ये मिजल से प्रभावी देखने को मिले, जबकि 2018 में ये 1,73,000 थे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं और इंडिया भी इससे छूता नहीं है। पोलियो के बारे में बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये काफी लार्ज स्केल पर ऐसी कुछ बातें फैलाई गई थी जो मिसकंसेप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा पोलियो वैक्सीन को लेकर, कि इससे और ज्यादा बीमारी हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इनइफेक्टिव रीजन आप लोग यहाँ पर इनइफेक्टिविटी यहाँ पर इसकी नजर आएगी। तो ये सारी बातें क्यों बोली जाती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से गुमराह करने के लिए लोगों को ये बातें बोली जाती हैं। और इसका मीडियम कौन है, सोशल मीडिया। आज के व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल दो तो दुनिया भर में जरा सी देर में फैल जाता है। तो देखिए, एक तो आप लोग ये ध्यान रखें, कोई भी अगर उल्टा सीधा मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड न करें, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे जीमेल पे आए, चाहे कहीं भी आप लोगों को देखने को मिले, फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर अच्छा मैसेज है तो ही आप लोगों को फॉरवर्ड करना है। ये आप लोगों अपनी भी कॉमन सेंस थोड़ी यूज करनी है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर स्टडी के बारे में 2017 की, तो 2017 की स्टडी 2010 से लेकर जो 14 तक स्टडी कराई गई, तो देखिए जो फ्लू जो एसोसिएटेड है उसकी वजह से 65% जो डेथ है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो रिड्यूस हो गई यहाँ पर, अगर यहाँ पर वैक्सीन प्रॉपर वे में दी जाती है। पर लेकिन अगर वैक्सीन प्रॉपर वे में नहीं दी जाएगी, अगर यहाँ पर जो कंडीशन ये रहेगी कि देखिए उसके चलते कि वैक्सीन जो है ये इलाज नहीं करेगी ढंग से, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी अगर दिमाग में डाला जाएगा किसी भी इंसान के, तो फिर क्या होगा, फिर देखिए कंडीशन क्या होगी। आप लोग अगर दवाई नहीं लेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, दवाई लेंगे तो हॉस्पिटल में जाने से बच जाएंगे। इसी के साथ में जो इलनेस है वो काफी खतरनाक लेवल की बढ़ सकती है, इवन डेथ भी इंसान की हो सकती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं और इस तरीके की बातों में गुमराह होकर ये सिचुएशन चलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ देखिए इस तरीके के जो सिचुएशन आप लोग जब हेल्थ के बारे में कुछ मुद्दा लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट आप लोग वहां पर अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है। तो बात की जा रही है कि जो इंडिया को यहाँ पर जो डिफेंसिव माइंडसेट उसने बना रखा है कि इसको ज्वाइन नहीं करना है, उसको छोड़कर प्रतिस्पर्धा यानी कि कैसे कॉम्पिटिशन में आना है, वो नहीं कहते हैं कि डरना नहीं है, सामने निकल के लेके आओ, छाती निकाल के सामने लेके आओ कि भैया सीना ठोक के हम लोगों को ये काम करना है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर बोली जा रही है, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। ये लगातार इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे चुका हूँ, आई होप कि अब आप लोग इतना अच्छे से आंसर इसके ऊपर लिख पाएंगे, एग्जाम में आता है तो आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को इतना तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू ये बन गया है जितने लंबे समय से यहाँ पर चला हुआ आ रहा था। पहले तो आप लोग समझिए यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ये पिक्चर में कब से आया, 2012 से पिक्चर में आया, कंबोडिया में आसियान की समिट हुई जब ये पिक्चर में आया यहाँ पर, ठीक है। टोटल मिलाकर 16 कंट्री है, तो 16 में से 15 के द्वारा तो हामी भर ली गई है, पर लेकिन इंडिया ने अभी अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने के कई सारे रीजन है इंडिया के सामने, किसानों का इशू है, ट्रेड यूनियन का इशू है, मेजर इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है उनकी बात कर सकते हैं, सिविल और सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा सब प्रोटेस्ट कर रहे थे और रीजन भी है प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग बात करें इंडिया का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो चल रहा है चाइना के साथ में 53 मिलियन है, आसियान कंट्री जो 10 कंट्री है उनके साथ में आप लोग यहाँ पर 21 मिलियन नजर आएगा, साउथ कोरिया के साथ में 12 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस बिलियन की बात की जा रही है, ये मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में देखें 9.6, जापान के साथ में 7.9 और न्यूजीलैंड के साथ में यहाँ पर देखते हैं 0.2। तो चाइना हो गया, ठीक है, और ये हो गया साउथ कोरिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक साउथ एशियन कंट्री के साथ में हमारा आज के डेट में डेफिसिट चल रहा है किसी न किसी तरीके से। तो अगर हम लोग यहां पर इसका पार्ट बन जाते हैं तो हम लोग और लार्ज स्केल पर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नजर आते। और ये एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से इंडिया बाहर निकल के आया है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए इंपोर्ट के बारे में, तो हमारी कंट्री में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान के साथ में, आसियान कंट्री के साथ में, पर लेकिन वहां से हम लोगों को कभी भी फायदा ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है साउथ कोरिया के साथ में। हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम बढ़ रहा है, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो पहली बात तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, एश्योरेंस नहीं दिया गया इसके अंदर हमको कि हाँ इंडिया जो है एक तरीके से क्रेडिबल एश्योरेंस अगर मिलता कि हाँ जो हमारे कंसर्न है उसको यहां पर डिस्कस किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो यहां पर ये कई सारे मुद्दे, हमारा किसानों का मुद्दा जो हो गया बेसिकली, छोटे जो लघु उद्योग हो गया उनका मुद्दा जो हो गया, ये सारे मुद्दे आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट यहां पर हो गया, ये डेयरी प्रोडक्ट का भी आप लोगों को मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे डेयरी प्रोडक्ट की आप लोग बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए आज के डेट में, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर इतने लार्ज स्केल पर जो डेयरी प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जनता तो कम है वहां पर। हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, पर लेकिन हम लोग जितना दूध प्रोड्यूस करते हैं उतने हम लोग पी जाते हैं। तो मेरे जैसे लोग काफी ज्यादा हैं जो जिनको दूध काफी पसंद है। तो होता क्या है बेसिकली, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन वहां पर जो जापान, आप लोग जो न्यूजीलैंड में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, तो वहां पर जो लोग मेनली एक्सपोर्ट के लिए इनके बिजनेस की तरीके से उसको लेते हैं। तो यहां पर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग घुसते हैं तो हमारा डेयरी वाला एरिया भी काफी सदमे में यहां पर आ सकता है। तो सारे के साथ में ट्रेड जो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखिए, साउथ एशिया एसोसिएशन, रीजनल कॉम्पिटिशन, कोरिया और जापान, इनके साथ में ऑलरेडी है, पर लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सिमिलर कंडीशन आप लोग
यहां पर बोल सकते हैं। तो जो 16 मेंबर थे यहां पर जो मेगा डील साइन करने की बात कर रहे थे, ये कौन से नंबर की डील थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये थर्ड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, कहां पर हो रही थी समिट, ये बैंकॉक में थाईलैंड के अंदर यहां पर हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर साइन करने से मना कर दिया, बोला ना कि ना तो गांधी जी की आइडियोलॉजी और ना ही मेरा जो जमीन है इसको अलाउ करता है ये कंडीशन करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। देखिए होता क्या है, आप लोग को यहां पर अगर इस तरीके से आप लोग बाहर निकलेंगे ये सोचकर कि हाँ भैया हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है तो हम लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करें, तो देखिए कब तक आप लोग इसको अपने आप को आइसोलेट कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक आप लोग यहां पर आइसोलेट अपने आप को कर पाओ। रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, साउथ कोरिया और जापान का आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाइना का तो फिर भी यहां पर डी ग्रेड का माल आप लोग बोल सकते हैं, पर वहां से जो प्रोडक्ट आते हैं वो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कंपीट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करते हैं, इतना ज्यादा खर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में कि उसके सामने कोई प्रोडक्ट टिक नहीं पाता है जितनी इफिशियंसी उनके प्रोडक्ट की होती है, पर लेकिन हमारी कंट्री में इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कंपीट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट को लाकर मान लीजिए एक प्रोडक्ट वो 300 रुपए का बेच रहा है मार्केट में हमारी कंट्री, सामने वाला लाकर उसको 50 रुपए में बेच रहा है, तो जनता देखिए हमेशा 50 वाले को खरीदेगी, अगर वो ठीक ठाक अगर प्रोडक्ट भी ना हो भले ही, पर फिर भी इसको खरीदेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए ये यहां पर एक प्रोडक्ट लेकर आए 300 का तो यहां पर 6 प्रोडक्ट लाकर ये खराब कर सकते हैं तब भी फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट इफिशियंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉम्पीट करने में मार्केट में, अगर कॉस्ट इफिशियंसी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो निकल कर आ रही है, तो इनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, कैसे किसानों को हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक इनपुट कॉस्ट जो कम कर सकते हैं और ताकि आउटपुट ज्यादा निकल कर आए, और उसके बेस पर अगर प्राइस थोड़ा कम भी रहे तो ना तो किसानों को देखने को मिले प्रॉब्लम देखने को मिले और वो कंपीट भी करें मार्केट में, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में भी आप लोगों को बताई थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो किया जाए इनके द्वारा, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल के आप लोग ला सकते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, जो आसियान कंट्री है टोटल मिलाकर 10 मेंबर हैं उसमें, ठीक है, तो इनिशियल 5 मेंबर कौन से हैं जिनके द्वारा आसियान को बनाया गया, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कई बार, अब तो आप लोग रट भी गया होगा ये, और किस कौन सा डिक्लेरेशन है जिसके द्वारा आसियान स्टेब्लिश किया गया था और कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के जो आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि ये डिटेल में आप लोगों को कई दिन से रिवाइज कर रहा हूं जब से यहां पर ये बेसिकली इसके बारे में बात की गई है। ओके नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात करें सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। पहले तो आप लोग ये याद रखिए हमारे कंट्री में संविधान है हमारा, तो संविधान में जो पार्ट थर्ड है ठीक है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में एक आर्टिकल आता है 21, ये 21 आर्टिकल जो है ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली एक केस आया, कौन सा केस था, केस पुट्टास्वामी केस 2017 का, इस केस ने ये बोला कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुकी है, तो आज की डेट में प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई हमारे प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। अब यहां पर चलते हैं आर्टिकल की ओर, आर्टिकल में दो बातों पर फोकस किया गया है, बोला गया कि हम लोग अपने आप को आईटी हब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अपने आप को हम लोग साइबर स्पेस में हम लोग एक लेजिटिमेट पावर है, हम लोग ये सारी चीजें टैकल कर लेंगे। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अभी एक साइबर अटैक किया गया मालवेयर के द्वारा, ये एक्सेप्ट किया गया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको आप लोग एनपीसीआईएल बोलते हैं, तो यहां पर इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हां ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिली है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर उसको भी हम लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे तो क्या कंडीशन आके निकल कर आ सकती है, ठीक है, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यहां पर ये हो गई इसके बारे में, दूसरी बात अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, दूसरी बात हो गई व्हाट्सएप वाला, यहां पर लोगों के जो अकाउंट है वो है, वो एक तरीके से एनालाइज, एक तरीके से उनको जो एक तरीके से एक उसमें स्पाई की तरीके से उसको देखा जा रहा है यहां पर, खासकर किनको, जर्नलिस्ट हो गए, जो सोशल एक्टिविस्ट हो गए, लॉयर हो गए, ये यहां पर ये क्या दिखा रहा है कार्टून, ये बोल रहा है कि जो लोग हैं वो टेंशन मत करो, हम लोग लोगों को नहीं, हम लोग जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट और जो खासकर दो एंटी गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनको हम लोग टैकल करके चल रहे हैं। तो इसका अभी एक काफी खतरनाक लेवल का ये सॉफ्टवेयर देखने को मिला जो कि पेगासस आप लोग बोल सकते हैं स्पाईवेयर, ये जो स्पाईवेयर है ये इसराइल की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और ये बोलते हैं कि हम लोग ओनली गवर्नमेंट एजेंसी को बोलते हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में जिन लोगों को यहां पर ये एनालाइज कर रहा है व्हाट्सएप जो यहां पर व्हाट्सएप को, तो वो खासकर किनको कर रहा है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझिए अब क्या सिचुएशन निकल कर आती है, यानी कि फिर गवर्नमेंट को बेचता है और गवर्नमेंट कह रहा है हम लोगों ने इसको खरीदा नहीं है, तो फिर कौन यहां पर हमारी कंट्री में इनको यहां पर एक तरीके से नजर रख रहा है, तो ये भी सोचने वाला मुद्दा है। अगर बात करें देखिए साइबर स्पेस की या फिर लेजिटिमेट पावर की आप लोग, या फिर आप लोग बात करें यहां पर
जो हमारा न्यूक्लियर पावर है, तो अगर इसको हम लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर पाएंगे हम लोग, अगर ये भी हम लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई बाहर की कंट्री आकर हमारी सोवरेन कंट्री को इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाती है तो देखिए वो तो बिल्कुल गलत है। और अगर हमारी ही कंट्री की जो गवर्नमेंट एजेंसी, अगर हमारी कंट्री गवर्नमेंट ही ये कर रही है तो ये हमारी प्राइवेसी का हनन है। तो इनके बीच में आप लोगों को बैलेंस बनाकर यहां पर चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज के डेट में दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आज तो ये यूज कर रहे हैं जो मान लीजिए गवर्नमेंट यूज करे, कल को आगे कोई और करने लगे। तो चाहे आप लोग इसकी बात करें व्हाट्सएप वगैरह की, चाहे न्यूक्लियर एसेट्स की बात करें, तो दोनों को यहां पर किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही हमारी कंट्री के लिए। तो दोनों को प्राइवेसी को भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसको भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए आप लोगों। तो अगर कुछ भी प्राइवेसी के बारे में लिखने के लिए आता है तो एक अच्छे उदाहरण है आप लोगों के सामने, दोनों उदाहरण यहां पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर जो नेक्स्ट है छोटा सा, ये बात की जा रही है ग्रांड मास्टर के बारे में। बेसिकली ग्रांड मास्टर की बात क्या की जा रही है, जो आप लोगों ने देखा होगा चेस वगैरह जो आप लोग खेलते हैं, तो यहां पर इंडिया के द्वारा 65th जो ग्रांड मास्टर यहां पर अभी ये निकल कर आए, तो इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये है रौनक सिद्धवानी, तो ये बोला जा रहा है कि 65th ये बनने वाले हैं ग्रांड मास्टर, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसी को एनालाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा बस आप लोग पर्सन का नाम याद रख लीजिए कि हाँ रौनक सिद्धवानी किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। रसिया की बात की जा रही है यहाँ पर, रसिया के इतने ग्रांड मास्टर हैं सबके अलग अलग यहाँ पर इंक्लूड, कहाँ कहाँ पर कितने हैं, तो इंडिया जो 6th प्लेस पे है यहाँ पर अगर बात की जाए तो 65 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें छोटी सी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के बारे में। न्यूज एनालिसिस में सबसे पहले तो यहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है, तो देखते हैं कौन गवर्नमेंट बनाता है। बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, देखते हैं कैसे बनती है। पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, करतारपुर जो कॉरिडोर है जो कि रवि रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है यहां पर, तो यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी सिख सेपरेटिज्म फैलाने की कोशिश करें, यानी कि हमारी कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो इंडिया ने वरी जीत जताई है यहां पर कि ऐसा भी कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इंडिया और रशिया जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे, खासकर जब यहां पर मान लीजिए रशिया से हम लोग कुछ खरीद कर लेकर आते हैं सामान, तो खरीदने के बाद में आगे हम लोग कैसे लेकर चल सकते हैं, तो यहां पर एक तरीके से आगे भी हम लोग काम करेंगे उसके चलते, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। कोई हेलीकॉप्टर खरीद कर लेकर आए, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो 2021 से लेकर 2030 तक का हमारा कोऑपरेट करने का प्रोग्राम है इंडिया और रशिया का, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहां पर अभी बोला गया है जो आरओ आप लोग यूज करते हैं, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा जो यूज किया जाता है इसको आरओ को बोलते गए हैं, तो रिवर्स ओसमोसिस ये एक प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू जो पानी को यहां पर प्योरीफायर के थ्रू प्योर किया जाता है। पर लेकिन देखिए आरओ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आती है, मैक्सिमम लोगों के घरों में आरओ है आज के डेट में, पर लेकिन काफी ज्यादा पानी यहां पर बर्बाद हो जाता है। तो एनजीटी ने बोला है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के बाद में नोटिफिकेशन इशू करो, 80% जो आरओ है वो ये जो गाइडलाइन जारी कर रखी है एनजीटी के द्वारा उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी को देखने की बात की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में हमारी कंट्री में पिक्चर में आया था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और हमारी कंट्री तीसरी कंट्री है जहां पर एनजीटी बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें याद रख सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है, किसके लिए? हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। अब 25,000 करोड़ आएंगे कहां से? 10,000 करोड़ तो सेंटर देगा, 15,000 करोड़ यहां पर कंट्रीब्यूशन एसबीआई और एलआईसी से आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी और जो बैंक है दोनों निकालकर लेकर आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया पहला। दूसरा, कौन यहां पर इसको रखेगा, बेसिकली कौन टैकल करेगा? जो फंड यहां पर कैटेगरी सेकंड का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यहां पर बोला गया है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर किया गया है, पहला। दूसरी बात, यहां पर एसबीआई कैपिटल वेंचर जो लिमिटेड है वो यहां पर इसको मैनेज करेगी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, कितना फंड है, कौन कौन कितना दे रहा है और कौन इसको मैनेज कर रहा है और किसके अंदर रजिस्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है सर्दी स्टार्ट हो गई, तो जो भी बर्फ को प्यार करने वाला आदमी है, जो बर्फ प्रेमी है, वो जा सकता है, बर्फ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आप लोगों के सामने है, एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बात की जा रही है बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर आप लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग वॉलंटरी जाकर रिटायरमेंट ले सकते हैं, और ये जो स्कीम है 4 दिसंबर तक खुली हुई है ओपन। आप लोग यहां पर क्या करें, अगर इसके एम्प्लॉई हैं तो आप लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो रिटायरमेंट का पूरा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो 18,400 एम्प्लॉई के द्वारा अभी यहां पर इसको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है कि वो छोड़ना चाहते हैं, जो भी एक तरीके से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपनी मर्जी से। 70,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो देखते हैं कैसे कंडीशन बनती है। तो यहां पर टोटल जो रिवाइव करने के लिए पैकेज दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने की बात की गई थी, तो देखते हैं कैसे यहां पर इसकी कंडीशन सुधर कर सामने निकल कर आती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया सेंटर को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आओ, किस तरीके से आप लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने भी आप लोगों से पूछा, आप लोग भी एक प्लान बताओ कि आप लोग कैसे एयर पोल्यूशन कम कर सकते हो, आप लोग भी अपना प्लान बताइए। आगे चलते हैं यहां पर, ये सी जिनपिंग और मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है और चाइना के जो
प्रेजिडेंट है, दोनों ने बोला कि जो क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2000 पिक्चर में आया था 2015 में, वो इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर एक बार यहां पर कोई आ गया इसके अंदर अब बाहर नहीं निकल पाएगा, यूएसए के निकलने के बाद में अब कोई भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट बहुत बड़ा इशू बन चुका है। H1B वीजा, ये एक तरीका नॉन इमिग्रेंट वीजा है, यानी कि आप लोग जाकर वहां पर जॉब कर सकते हैं अपने यूएसए के अंदर में, पर लेकिन वहां पर जाकर स्टैब्लिश नहीं हो सकते। पर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पहले H1B वीजा लेते हैं फिर ग्रीन कार्ड बनाकर यूएसए के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये सबसे कम हो गई है H1B वीजा के बारे में अगर बात करें, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कोई बाहर का लोग इनकी कंट्री में आए। ठीक है, वेस्ट बंगाल हेरिटेज कमीशन के द्वारा बोला गया प्रपोजल कि म्यूजियम बना जाएगा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, कब हुआ था ये 1905 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग बताइए। तो उस टाइम पर काफी ज्यादा माइग्रेंट जो रिफ्यूजी यहां पर इधर उधर पहुंचे थे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसको एक हेरिटेज कमीशन की तरीके से इसको देखा जाएगा ताकि जनता को बताया जा सके कि ऐसा भी कुछ पास्ट में देखने को मिला है। चाइना के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो चाइना काफी बड़ी कंट्री आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, और फिर ये आप लोग देखेगा ये अपनी ही कंट्री का पार्ट है ये। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल के जो मैप होते हैं वहां पर ये बेसिकली दिखा दिए जाते हैं कि यहां पर ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, तो चाइना के अंदर दिखा दिया, वो दिखाता है कि प्रेजेंट में किसके पास में ये पोर्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया चाइना। आसपास में अगर आप लोग देखेंगे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, यहां पर रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इधर आप लोग ताइवान, हांगकांग, मकाओ, ये ऑटोनोमस रीजन माने जाते हैं बेसिकली। यहां पर वियतनाम, लाओस, म्यांमार हो गया, हमारी कंट्री टच करती है इंडिया और भूटान, नेपाल, तो ये सारे टच करते हैं बेसिकली चाइना को। चाइना की कैपिटल हो गई बीजिंग, भी यहां पर इसकी आज के डेट में करेंसी है, और अगर बात करें ये ईस्ट एशियन कंट्री है, और ये यहां पर इसका फ्लैग हो गया जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये है आप लोगों आज का क्विज, आप लोगों बताने कौन से नंबर की रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी और यहां पर जो बेसिकली कहां पर हुई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहां पर बताना है जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, ये टॉप 10 थ्रेट जो है उनमें से एक थ्रेट है, तो ये किसके द्वारा बोला गया है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो कितने मिलियन लोग जो हैं वो यहां पर इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर। जो फंड अभी इकट्ठा किया गया यहां पर, ये जो आप लोगों को बताना है किसके लिए इकट्ठा किया, जो फंड बनाया गया अभी 25,000 करोड़, तो किसके लिए बेसिकली बनाया गया है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये फंड जो है ये किसके अंदर रजिस्टर है, जो कि SBI इसको मैनेज करेगा। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं डिफेंस के लिए 2021 से लेकर, और कब तक का ये कोऑपरेशन चलेगा ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, पहले तो आप लोगों को यहां पर ये था कि देखिए अभी यहां पर जो देखने को मिले रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो बैंकॉक में ये आप लोगों को देखने को मिली। नीति आयोग के द्वारा यहां पर पब्लिश किया गया था बेसिकली, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमारा 15% ओनली एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट जो है वो 35% बढ़ गया है। जो 70 मिलियन जो हाउस होल्ड है आज के में वो डिपेंडेंट है डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर, तो समझ सकते हैं आप लोग जो हम लोगों ने अभी आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये कंडीशन हमारी खराब हो सकती है अगर ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये भी आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसके बारे में बात की जा रही है कि जो नॉन गेजेटेड पुलिस मैन है उनके द्वारा बोला गया था कि हमारी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एक तरीके से डिसमिस कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सिक्योरिटी एजेंसी है, आप लोग सिक्योरिटी करने का काम करते हैं, आप भी खुद अगर अपनी ऐसी एसोसिएशन बनाओगे तो सिक्योरिटी कौन रखेगा यहां पर। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएन के जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से 2015 में जो बोला गया था बाहर निकलेगा उससे, 2015 के एग्रीमेंट से, तो उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और 2021 तक का वो बाहर 20 तक का वो बाहर निकलने की बात कर रहा है। पर लेकिन अभी हम लोगों ने देखा चाइना और इंडिया ने बोला है, वो चाइना और फ्रांस ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, यहां से जाके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी यहां पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और बाकी अगर खुद से आप लोगों को लग रहा है कि लोगों को पढ़ा सकते हैं तो जरूर पढ़ाइए, वरना लेक्चर आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है गुरु दक्षिणा। ओके, तो ये आप लोग जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।